हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम क्रेवैट्स एंड वेलकम बैक टू आरएल क्राफ्ट। अभी प्रॉपर इंट्रो करने का टाइम नहीं है बिकॉज मुझे ढेर सारा लेवल अप करना है एंड उसके बाद फिर अपने लिए बढ़िया सा एक नंचक बना के फिर लॉस्ट सिटी जाना है। लेकिन उसके पहले मुझे सिल्वर ढूंढना है बिकॉज मेरा जो आर्मर है उसको सबको मास्टरफुल क्वालिटी का करना है। सो कहाँ रख दिया यार मैंने सिल्वर? ओके, मिल गया, थैंक गॉड। मैंने कहीं तो भी फेंक के नहीं आया बिकॉज मेरी आदत है कि जैसे मैं खेलते रहता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें कहीं तो भी भूल के आ जाता हूँ। सो थैंक गॉड सिल्वर के साथ मैंने वैसा नहीं किया। अभी लेट्स होप कि आइटम जल्दी मास्टरफुल बन जाए। ओह दैट वाज क्विक। ओके सो ये तो अभी एक काम डन है। अभी नेक्स्ट मुझे बनाना है आइस नंचक बिकॉज वो एनिमी को स्लो डाउन करता है। फ्लेम नंचक में बनाने वाला था लेकिन वो जो जलने का एनिमेशन है ना वो मेरे आँख आँख में चुभेगा, इसलिए फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया। अपन नंचक का आइस वाला वर्जन बनाएंगे लेकिन उसको एन्चेंट करने के लिए अपन को ढेर सारा एक्सपी लगेगा, राइट? तो चलो ढेर सारे एक डंजन क्लियर करने में लग जाते हैं। यार बोर हो गया यार मैं मॉब से लड़ लड़ के। सो लेट्स डू वन थिंग, अपन कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं बिकॉज मुझे ढेर सारी एक्सपी चाहिए एंड इतनी सारी एक्सपी सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है एंड वो है ब्लाइट। सो लेट्स डू वन थिंग, ब्लाइट का अभी अपीयरेंस परसेंटेज है 0.005, उसको अपन चेंज करके कर देते हैं 50%। सो दैट आई थिंक मेरे वर्ल्ड में जो भी बंदा स्पॉन होगा 50% चांस है उसका ब्लाइट स्पॉन होने का। सो अच्छी खासी एक्सपी मिल जाएगी उसे, बस अपन को उनको सर्वाइव करना है। सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी अपन कितने सर्वाइव कर सकते हैं। बाय, आई एम डैम श्योर कि मेरी लगने वाली है लेकिन ठीक है, आई गेस अच्छा वीडियो बनाने के लिए लगे रहो। हो भाई तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो, हेलो मेरे से लड़ो। ओ नो 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 भाई, क्या ये बोले अरे बाप रे, एक साथ कितने सारे लेफ्ट में देखने मत ले रहा क्या मैसेज आ रहे हैं। अरे बाप रे बाबा, चका दो मेरे को। ओके दिस वाज अ बैड आइडिया, एक इतने क्लोज जगह पे इतने सारे ब्लाइट्स को लाना बहुत बैड आइडिया। भले ही मैं एक बार का सरफेस पे अगर इनको समन करता तो एक बार का चल जाता था, यहाँ पे भाई जगह ही नहीं है मेरे को। ऐसे करके तुमको दिखाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अबे रुको, हाँ ये थोड़ा बड़ा रूम है। ओके यहाँ पे निपटते हैं इन सबसे। लेट्स गो, आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ। खड़े क्यों हो गए एक जगह ये लोग? ठीक है सही है, खड़े रहो, मेरे को क्या है। अबे ओके, कॉबवेब के कारण खड़े थे। ओके नाउ आई गेट इट, मौके का फायदा उठा के बाटले फेंक रही हो उधर बेशरम इंसान। अरे भाई रुक जाओ। ओके ओके वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, पूरी की पूरी इन्वेंटरी अस्त-व्यस्त कर दी इसने बेशरम ने। अरे रुक जा यार, बाटले फेंकना खत्म नहीं हो रहा इसका एक तो। ओके दिस वाज अ क्रेजी आइडिया, पता नहीं मैंने क्यों किया ऐसा, लेकिन एक्सपी देखो मैं इतनी सारी एक्सपी, अभी से 200 क्रॉस हो गए भाई अपने लेवल एंड अभी ढेर सारे स्पॉनर बचे ही हुए। नाइस भाई, अगर मेरी मारोगे तो ओके थोड़ा सा लोग जंप्स के दे देते हैं लेकिन यार क्या प्यारा कॉन्फ़िगरेशन है ये, मेरी मारो तो हर किसी को। अरे भाई तू भी ब्लाइंड है। ओके पीछे से कोई मत आ रहा, हाँ इसे डील करने दो मेरे को। ओके लेट्स गो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ मेरी मानो तो हर किसी ने यही वाली कॉन्फ़िगरेशन में खेलना चाहिए। डैम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनसे डील करना अगर तुम्हारे पास ढंग का वेपन ना हो तो, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा एक्सपी देते हैं मैम। अभी तो 250 हो गई मेरी। ए बाबा गोला बारूद भी फेंकना भैया, ये सब काम मत करो तुम प्लीज़। हाँ तो ये वाला डंजन क्लियर करते हैं, आई थिंक मेरे 300 लेवल आराम से हो जाएंगे एंड फिर अपन बढ़िया से अपने लिए नंचक बना सकते हैं एंड फिर अगर कुछ एन्चेंटमेंट कम पड़ भी गए तो अपन फिर से एक और डंजन क्लियर कर लेंगे। भाई यहाँ तो एकदम टोक के भाव से वैसे भी लेवल बढ़ रहे हैं, ले लो सही है। देखो 260 हो गया अभी से एंड अभी टाइम है अपने बर्फीले नंचकू को एन्चेंट करने का। सो सबसे पहले इसमें मुझे पैरी लगाना है लेकिन वो मिले नहीं रहा, सो ये वाला प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। सो यू कैन स्किप अहेड, मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास करने वाला हूँ एन्चेंट करते टाइम पे। अभी इसका एक काम करते हैं, अपन रीनेम भी कर लेते हैं। सो मे बी उड़न उड़न खटोला नहीं, इसका नाम अपन डर्मिकुल रखते हैं बिकॉज ये ठंडा नंचकू है, राइट? सो ये एनिमी इसको गर्मी में ठंडक की राहत देगा। पहले उसका नाम मैंने उड़न खटोला सोचा था क्योंकि वो ऐसा गोल 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 घूमता है ना, बट आई थिंक डर्मिकुल इज कूल। अभी सुप्रीम शार्पनेस अनब्रेकिंग लगाना है, ये हो गया 2 का कॉम्बिनेशन, इसको अपन इसमें लगाया, ये हो गए 3। अरे यार तुम टूटो मत यार इतनी जल्दी। अभी मुझे अपग्रेड पोटेंशियल यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज ये 3 एन्चेंट की बुक मेरे पास पहले से पड़ी थी एंड अगर इसमें अभी नई बुक ऐड करूँगा तो ओवरऑल मतलब मेरे एक्सपीरियंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो या आई थिंक
अभी इसको एन्चेंट ना करके इसमें एक और अपन बुक ऐड करते हैं ताकि आगे जाके उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई ना हो। सो आई थिंक इसमें अगर कोई भी मैं बुक ऐड करूँगा तो अभी सस्ते में ऐड तो हो जानी चाहिए। सो सब्जेक्ट पी अगर मैंने इसमें ऐड की तो 11 कॉस्ट में हो रही है। सो लेट्स डू दैट। अभी इसमें ये हो गया अपना 4 का कॉम्बिनेशन। अभी मुझे 6 एन्चेंट का कॉम्बिनेशन लगाना है इसमें। सो ठीक है, क्रिटिकल स्ट्राइक एंड लाइफ स्टील लगा ले। ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा मे बी आर्क स्लैश एंड कर्स ऑफ पोजिशन। ओके दिस लुक्स गुड। फिर नेक्स्ट अपन ब्लेसड एज, नहीं ब्लेसड एज नहीं, अभी मे बी स्विफ्ट स्लैशर के साथ कॉम्बो। ये हो गया 9, ये 15 नुकुन। ओके ओके, 9 से ये अपन काम चलाएंगे भैया। ये हो गया तीसरा। ओके लेट्स गो। अभी ये दोनों 18 ऐसा, 14 ऐसा, एंड अगर मैंने इसको यूज़ किया तो अरे बाप रे, नहीं ठीक है 14 से कुछ रहेंगे भैया अपन। एंड फिर ये लगाया 28, दैट्स फाइन। एंड फिर ये 60, अरे बाप रे भाई इतनी जल्दी एक्सपी खत्म हो गई मेरी। चलो थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करके आते हैं। वैसे भी जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे मेरे को लाइट दिख रहे हैं, सो प्रॉब्लम तो नहीं जानी चाहिए। वो देखो वहाँ दूर पे भी ब्लाइट खड़े हैं। लेट्स गो, जल्दी अपनी सेंचुरी होने वाली अभी। ओ नो 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 नो, लग गई मेरे शिट मैन। बहुत ही जल्दी सोचे, अभी मैं पछता रहा हूँ कि मैंने कॉन्फिग क्यों सेट की मैन। शिट, दूर 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 दूर, शिट लग गई, शेट लग गई। ये वो घटिया मॉब जो चिपक के मारते हैं। अरे बाप रे, दूर दूर भाई, इतना नहीं चिपकने का है। अरे माँ कसम, दूर भागना पड़ेगा भाई। भाई सिल्वर आर्मर का स्पीड कोई काम का ही नहीं है। मैं जितनी स्पीड से दौड़ा हूँ उतनी स्पीड से ये लोग दौड़ रहे भाई। पहली बार मेरे को लग रहा है कि लेफ्ट में समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो इवेंट ने मॉब स्पॉन करना बंद किया कि नहीं। मतलब पता नहीं कहीं तो भी मैसेज आया होगा वो, लेकिन ओके आगे 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 दिखा दिखा दिखा, नो लॉन्गर स्पॉनिंग मॉब दिखा मेरे को मैसेज। ओके आई थिंक वी कैन मेक इट शायद, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से। यस वी कैन मेक इट। अबे तू कहाँ, जो ब्लाइट नहीं है ना वो मेरे सामने नहीं आने का। अभी मेन प्रॉब्लम है वो बड़े बड़े मॉब, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे बो की 50 ड्यूरेबिलिटी बची है, तो बो यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सो या बड़े बड़े मॉब से भी अपन को पास में जाके डील करना पड़ेगा। सो गुड थिंग इज़ कि अपन को एक्सपी बहुत सारी मिल रही है। बैड थिंग इज़ कि ये आके चिपक जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से मेरे पैंट में वो जो इवेजन लगा है ना, उसका इफेक्ट अभी ऑन है, जिसके कारण मैं रैंडमली यहाँ वहाँ पे कूद जाता हूँ। तो वो इफेक्ट सबसे पहले मेरे को बंद करना पड़ेगा, बट ठीक है वो बाद में कर लेंगे अपन। फिलहाल ओहो सेंचुरी अपनी होने वाली है। ए अच्छा ठीक है, आ जा तू एक्सपी जगह मेरे को, सो आ जा। अभी एक बात अच्छी हुई कि सिर्फ ग्रेगरी आए इवेंट में, रेथ नहीं आए भाई, वरना वो तो पास में आके इतने गंदे फूटते ना कि मेरे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बहुत गंदी गई होती। सो दैट्स गुड कि वो लोग नहीं आए। अभी बस एक प्रॉब्लम है कि वहाँ दूर ना एक एस्टेरॉथ है जो कि ब्लाइट है, सो उससे मेरे को डील करना है, जो कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन एक कहाँ पानी के नीचे छुपता तो है, देखो लगा देखा नहीं मैंने। एक्सपी तो देखो भाई कितनी सारी पड़ी, लेकिन एस्टेरॉथ से डील करना है यार। वो देखो वो मारना शुरू कर दिया उसने। अरे बापरे, ब्लाइट होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पीड से मार रहा है यार ये। ओह बट ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी हेल्थ नहीं थी तो दैट्स फाइन। अभी बस ये चुंडू पुंडू से डील करना है मेरे को। एंड नॉइस, अभी कितनी एक्सपी थी अपन को, 115 116। तू ब्लाइट क्यों नहीं है भाई, तू अकेला नॉन ब्लाइट क्यों घूम रहा है। ओके अभी होपफुली सारे के सारे एन्चेंट लग जाने चाहिए। सो ये हो गया 8 एन्चेंट। उसके बाद 93। मैन इतने ज़्यादा लेवल के चाहिए तुमको। एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं अपन अपग्रेड पोटेंशियल, एंड उसके बाद 962, एक नंबर। सो अभी इसमें क्या मिसिंग हो रहा है, फायरी एज नहीं लगाया यार इसमें अभी तक मैंने। शिट ओके, आजू बाजू से ही अपन थोड़े से ब्लाइट हंट करते हैं, और उसके बाद फिर 2 एन्चेंट मैंने मिस कर दिया, फायरी एज एंड अडेप्ट, जिससे मुझे और भी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी। सो मेन एन्चेंट ही लगाना भूल गया मैं, बट ठीक है अभी थोड़ा सा और एक्सपी कलेक्ट करके इनसे वो दोनों लगा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर अपन अपना डर्मिगुल लेके घूमेंगे एंड ये वाले नंचक को रिटायर कर देंगे। 3 3 6 3 9 12 15 18 21 22 23, ठीक है 23 के 23 अपने एन्चेंट है। पुराने वाले से मैंने एक दो एन्चेंट चेंज किए हैं, बट ठीक है आई थिंक इतने काफ़ी है वाले के लिए।
सो पुराने रंचक, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस. बहुत मजा आया तेरे साथ खेलने में, एंड बहुत बार तूने मेरी जान बचाई है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. अभी रिटायरमेंट एंजॉय कर तू, एंड या ऑल द बेस्ट. एंड तुम चलो अभी टेस्ट रन के लिए, लेट्स सी तुम किसी काम के हो भी कि नहीं. ओ डैम, सही वेपन है यार ये. वो टन 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 की आवाज थोड़ी मतलब अजीब है, आइस टूटने वाली, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड वेपन. अरे भाई ए रुकना, पानी पीने देने रुकने यार. ओ हो भाई क्या सेटिस्फाइंग साउंड है आइस टूटने का. ओ हो टन 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 करके जो पिटे सारे के सारे एक के बाद एक. वाओ आ जाओ सब पिटो सब पिटो, एक नंबर लेट्स गो. भाई साहब एक्सपी की तो बारिश हो रही है. ये देख कर ऐसा मेरे को लग रहा है ना कि कुछ तो भी चीट यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं देखूँ तब मेरा लेवल 100 के ऊपर ही रहता है. अरे आ जाओ एक नंबर, सारे के सारे लेवल दे दो मेरे को एक नंबर. एक नीचे नहीं गिराना था ना यार. अरे ठीक है आ जाओ. अभी देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इतने सारे अपने लेवल हो ही गए हैं, सो लेट्स डू वन थिंग, अपने लिए एक बढ़िया सा बो भी बना लेते हैं. बिकॉज फिलहाल जो मेरे पास बो है उसके बेचारे की 50 ड्यूरेबिलिटी बची है, सो उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक करने से बेटर क्यों ना एक फ्लेम्ड बो बनाया जाए. बिकॉज आइस वाला तो एक वेपन हो गया ना अपने पास, एक नंचक, सो एक फ्लेम वाला भी वेपन रख लेते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ बो, ठीक है. एंड उस वो रहेगा वर्जन 2, अपने अभी वाले बो को रिटायर कर देते हैं, एंड या उसमें बढ़िया से एनचैंट लेके उसको यूज़ करेंगे फिर. लेकिन फिलहाल अपन यहाँ पे है ही ना, तो एक KGF वाली जो बिल्डिंग है इसको अपन क्लियर करेंगे. ओ मैन ओके ठीक है, वो वाला बैटल टावर एंड ये KGF बिल्डिंग, इन दोनों को अपन क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अपन घर जाके बो का सोचते बैठेंगे. भाई आई लव दिस मॉब मैन, आई लव इट. तो इशू ऐसा है कि हर एक स्पॉनर ना 10 या 15 मॉब्स को समन करके टूट जाता है, लेकिन इस केस में वो मॉब छोटे मॉब में डिवाइड होके मेरे को 8x एक्सपी दे रहे हैं भाई. मतलब एक मॉब मेरे को 8 मॉब के बराबर के एक्सपी दे रहा है. तो एक नंबर ऐसे टूटते रहो, एक नंबर ऐसे छोटे छोटे पार्ट में टूटते रहो, मजा आ रही है ऐसे. लेट्स गो लेट्स गो. यार यहाँ पे मेरे को मजा आ रही है क्योंकि मैंने ना रिंग ऑफ रिएक्शन पहने रखी है, सो ये मॉब लोग वहाँ जाके कॉबवे में फंस जा रहे हैं, लेकिन मैं उस कॉबवे से इजीली निकल सकता हूँ, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं उनसे भाग के इधर आ जाता हूँ एंड वो वहाँ पे कॉबवे में अटक जाते हैं. भाई क्या प्यारी रिंग है ये. एंड अभी लेट्स मेक अ गॉड बो. तो सबसे पहले इसमें ब्रेकिंग लगाएंगे, उसके बाद एडवांस पावर के साथ रेंज, लेट्स गो. फिर मे बी एरो पियर्सिंग के साथ रैपिड फायर, या दिस कर ऑल्सो वर्क. 4 रुपये बढ़िया. अभी इसमें सबसे पहले एडवांस पावर, ये हो गया 2 का कॉम्बिनेशन. अभी 4 का कॉम्बिनेशन ना, तो मल्टी शॉट के साथ मे बी एडवांस पावर ना लगा के ठीक है मेंडिंग लगाते इसमें. सो ये हो गया अपना 4 का कॉम्बिनेशन, 12 रुपये ऐसे ऐसे 24. अरे बाप रे 12 ही बेटर है. ये हो गया 12, लेट्स गो. 1 2 4 का कॉम्बिनेशन. अभी 6 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बचे कुछ जितने भी अपन लगा लेते हैं. सो सबसे पहले ओके पंच के साथ इन्फिनिटी लगाएंगे, एंड फिर बचा क्या है, कर्स ऑफ पोजिशन एंड अडेप्ट. यस ओके लेट्स गो. 4 रुपये ऐसे में एंड 6 ओके नहीं 4 रुपये मान के चलेंगे अपन. ये हो गया लेट्स गो. एंड रीनेम करना तो भूल ही गया बो को यार, 32 XP नहीं चाहिए अपन को. एक काम करते हैं, अपग्रेड पोटेंशियल यूज़ करेंगे. एंड अभी इसका नाम रखेंगे शारंग वर्जन 1.0.0, बिकॉज आई एम ए कोडर, सो हम सब चीज़ का ऐसे ही नाम रखते हैं. एंड अभी लेट्स गो शारंग, हो जा शुरू. लेट्स गो. एक नंबर भाई, क्या मजा आ रही है इसको फायर करके. एंड एक जो सबसे ज़्यादा मेरे को चीज़ पसंद आ रही ना, कि जहाँ एरो गिर रहे हैं वहाँ पे मेरे को फ्लेमिंग का एनिमेशन देखने नहीं मिल रहा है. बिकॉज लास्ट वाले बो में इतना परेशान हो जाता था मैं, जहाँ वो बो गिरते थे वहाँ वो आग आग से कुछ नहीं दिखता था. बट अभी वाओ इतने सारे एरोज है, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ. ओहो आ जाओ कोई नहीं बचेगा बेटा अभी, लेट्स गो आ जा. अच्छा वो अलग है और ये अलग है, ओके लेट्स गो. अरे बच कैसे गया ये अभी तक. अच्छा बेटा मेरे से बचेगा. देखो क्या लगा, मैं रुक जाऊंगा. अनलिमिटेड एरो है भैया मेरे पास, और ऊपर से इसमें मेंडिंग लगी है, तो टूटने का सवाल ही नहीं है इसका. अच्छा ये मिल गया क्या, ओके ठीक है एक बार का इसको निपटा ही देते हैं. वो बोर हो गया था मैं ऊपर वो बाहर देख देख के. लेट्स गो. भाई हिल नहीं पा रहा है वो. आके दिखाना, इधर आना आना आके दिखाना फॉस्फोरस चुपकाबरा, आना आना. भाई 14 के FPS पे खेल रहा हूँ मैं, डैम. मे बी इसलिए हो रहा है बिकॉज इतने जो पूरी दुनिया में मैंने ब्लाइट पैदा करवा के रखे ना, तो सारे का फ्लेमिंग एनिमेशन पूरी की पूरी FPS का कबाड़ा कर रहा है. लेकिन आई एम ओके विथ इट. थोड़ी सी XP मिल रही है अपन को, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा XP मिल रही है उसके कारण, सो ठीक थोड़ा सा FPS ड्रॉप चल जाएगा. क्या सही स्ट्रक्चर है यार ये, ड्रैगन का स्कल, मोर ऑफ मतलब क्यूबोन का सिर दिख रहा है, बट वाओ दिस लुक्स गुड. एंड पूरे का पूरा बोन ब्लॉक से बना है, डैम.
एनीवे सो हाँ मैं अभी स्केलेटन के स्कल ढूंढ रहा हूँ बिकॉज लॉस्ट सिटी में जाने के लिए काइंड ऑफ रिचुअल करना पड़ता है जिसमें बेड के आजू बाजू स्केलेटन के स्कल लगाने पड़ते हैं. सो यार वो ढूंढने अपन आए हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे जाके अपन थोड़ी सी एक्सपी ले लेते हैं एंड साथ में ये सामान भी उठा लेते हैं अपने वाइन बनाने के काम आ जाएगा जो कि लॉस्ट सिटी में बहुत ज़्यादा. अरे भाई तो यार लेवल्स का बहुत इशू है जो कि इस स्टेज पे आके होना नहीं चाहिए राइट. सो लेट्स डू वन थिंग. ये मेरे को हंग्री फार्मर ये वाली एबिलिटी चाहिए जिससे मैं ऑटो फीड कर सकता हूँ एंड मे बी थोड़े से पोशन इफेक्ट भी चाहिए. तो एक काम करते हैं सारे के सारे अपने स्किल मैक्स लेवल के कर लेते हैं. आई थिंक इतनी एक्सपी है अपने पास. क्या सही देख रहा है भाई अभी सब कुछ पीला पीला. एंड साथ में अपन एक काम करते हैं अपनी कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ा लेते हैं. सो आयरन स्किन तो टॉप लेवल है लेकिन हाँ स्टेल्थ बढ़ा लेते हैं बिकॉज स्टेल्थ क्या करता है कि डिटेक्शन रेंज कम कर देता है जो कि लॉस सिटी में बहुत काम में आएगी. एंड अभी लेट्स मेक सम दारू जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो मेरा प्लान है एक बैच यहाँ पे ब्रू करने लगा के फिर मैं ब्लाइट्स को मारने जाऊँगा उससे लेवल्स लेके फिर अपने कॉम्बैट स्किल्स डेवलप करूँगा एंड उसके बाद फिर नया बैच लगाऊंगा. एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी बहुत दिनों तक. ओके सो कई दिनों की मेहनत के बाद अभी अपने पास 3 स्केलेटन स्कल है जिनका वाव बॉर्डर बहुत ही सुंदर दिख रहा है. उसके अलावा अपने स्किल्स जो है वो तो पूरे के पूरे मैक्स हो चुके हैं एंड उसके साथ अपने जो कॉम्बैट स्किल्स है वो ऑलमोस्ट मैक्स हो चुके हैं. मतलब रैंडम क्रिट मैक्स हो चुका है, आर्चरी मैक्स हो चुका है, एरो स्पीड मैक्स हो चुकी है, स्टेल्थ मैक्स हो चुका है, स्टेल्थ डैमेज मैक्स हो चुका है एंड आयरन स्किन मैक्स हो चुका है. शील्ड प्रोफिशिएंसी मैंने नहीं की बिकॉज वेल शील्ड पकड़ ही नहीं रहा मैं. उसके अलावा फिर ये मीली डैमेज बचा है 3 लेवल का एंड आई थिंक ये सारे के सारे मैक्स होने के बाद फिर ये स्नीक स्पीड वाला खुलेगा. नहीं वेट, प्री रिक्विजिट एथलेटिक्स. बदल एथलेटिक्स कहाँ है यार, मैं ये अभी को देख रहा हूँ. वट एथलेटिक्स कहाँ है? ओके ठीक है. लेट देखा मैंने लेकिन ठीक है एटलीस्ट उसका एक लेवल तो बढ़ा लिया. बाद में फिर लॉस सिटी में जैसे जैसे अपन लेवल अप करते जाएंगे वो बढ़ाते जाऊंगा. तो अभी वी आर रेडी, अभी बस यहाँ पे खोपड़ियाँ लगानी है एंड मैंने अपने साथ वाइन भी रेडी कर ली है. फिलहाल सबकी क्वालिटी बढ़ाने का टाइम नहीं था तो जो क्वालिटी मिली वो उठा ली एंड वैसे भी सिल्वर आर्मर के कारण इनिब्रेशन का डर तो है नहीं अपन को, तो कोई भी वाइन चलेगी. सो लेट्स गो टू लॉस सिटी. अरे बाप रे, मैं सबको भाई ब्लाइट वाली कॉन्फ़िग चेंज करना भूल गया मैं. शिट भाई, पूरे यहाँ के मॉब ब्लाइट बन गए. अरे राम, क्या कर दिया मैंने. आई गेस अपन अनंत काल तक इसी गड्ढे में बैठे रहेंगे बिकॉज जब तक वो लेफ्ट में मैसेजेस आने बंद नहीं होते मैं तो भाई यहाँ से नहीं निकलने वाला. बिकॉज अगर मैंने अभी कॉन्फ़िग चेंज कर भी दी तो भी जो मॉब ब्लाइट बन चुके उनका क्या करूँ मैं. सो आई गेस इट इज़ गुड टाइम अपन ये वाला वीडियो एंड कर देंगे यहीं पे एंड फिर मैं यहीं पे बैठा रहूँगा और कुछ तो सोल्यूशन निकालूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए. लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम जिसमें होपफुली थोड़ी सी हिम्मत करके मैं वो सारी बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करूँगा. लेकिन तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय.